हेलो गाइस, तो आरआरबी के वेबसाइट पर आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आज ही के दिन ये नोटिस आया हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट जिन कैंडिडेट्स का होगा उनके लिए ये नोटिस यहाँ पर आया हुआ है। डेट की अगर मैं बात करूँ, सबसे नीचे में आप देख पाओगे 30 जुलाई, यानी आज के दिन ये नोटिस आया हुआ है। क्या है पूरा नोटिस, हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को जो डाउट है वो है बैकस्पेस काम करेगा या नहीं। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको बैकस्पेस वर्क करेगा या नहीं, तो इसका आंसर है यस। आपका जो बैकस्पेस की होगा वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम करेगा, ठीक है, काम बिल्कुल आपका करेगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो एमएस वर्ड में होने जा रहा है। तो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी CBTST इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12th of August 2022, यानी 12 अगस्त 2022 को आपका एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका होगा। सिटी जो होगी, किस शहर में आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसकी जो डेट है वो 3 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। आप जो है डाउनलोड कर पाओगे इंटीमेशन स्लिप, ताकि जाने आने के लिए जो भी आपकी ट्रेन या फिर बस की ट्रेवल्स जो है आप यहाँ पर कर सको। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप एटलीस्ट 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी। तो यहाँ पर आपको 300 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा एमएस वर्ड में, उसको आपको टाइप करना होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किए हो लैंग्वेज तो आपको 300 वर्ड, अगर हिंदी अगर आपने ऑप्ट किए होंगे तो आपको 250 वर्ड यानी 250 वर्ड्स आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी, यानी दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर और कहा गया है, यानी दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आपको आपका टेस्ट यहाँ पर देना होगा। एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय देम ऑन आरआरबी वेबसाइट, यानी जब आपने अप्लाई किए थे पोस्ट के लिए तब आपने इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी लैंग्वेज दिए थे उसी लैंग्वेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश विल बी द टाइपिंग लैंग्वेज फॉर दोज हु हैव नॉट एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट नहीं किए थे तो डिफॉल्ट जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड हिंदी फॉर टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ कृतिदेव और मंगल फॉन्ट। तो यहाँ पर कृतिदेव या फिर मंगल फॉन्ट का जो कीबोर्ड का लेआउट होगा वो कृतिदेव या फिर मंगल फॉन्ट यहाँ पर दिया जाएगा। द एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जो एग्जाम होगा आपका 3 पार्ट में होगा। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट होगा वो होगा आपका 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में आपको क्या क्या करना है, 1 मिनट में आपको कीबोर्ड जो है वो काम कर रहा है या नहीं, सारे कीज जो है आपको चेक कर लेना है उस 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको जो नंबर्स की दिए जाएंगे A to Z जितने भी कीज होती है वो कीज आपको चेक कर लेना है, फैमिलियराइज होना है आपको कीबोर्ड के साथ में। तो 1 मिनट आपको उसके लिए अलग से दिया जाएगा। 30 सेकंड आपको उसके बाद में ब्रेक मिलेगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। एंड उसके बाद जो थर्ड सेशन होगा 10 मिनट का, उसमें आपका एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4th नंबर का, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, जो स्किल टेस्ट होगी वो आपकी स्पीड चेक की जाएगी। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, यानी अगर आपने एक बारी में कंप्लीट कर दी हो पैसेज, अगर आपका टाइम बच जाता है 10 मिनट के पहले अगर आप टाइप कर देते हो तो जो टाइम बचेगा उसमें आपको रीटाइप करना है, यानी फिर से आपको टाइप करना होगा पैसेज को। कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट्स, यानी अगर आप 10 मिनट में एक बार भी अगर पूरा का पूरा पैसेज अगर टाइप नहीं करते हो विल बी ट्रीटेड एज अ डिसक्वालीफाइड, तो आप जो है वो डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, ये यहां पर मेंशन किया गया है। द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ दोस कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, यानी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो आपको जो पैसेज दिया गया है तो आपका जो पेपर होगा, आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसे चेक नहीं किया जाएगा, यानी इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। 5th नंबर का जो पॉइंट है, इसमें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा आपका स्पीड वो दिया गया है। सबसे नीचे में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट या फिर 25 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 10 मिनट का ये टेस्ट होगा। तो जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास में समय काफी कम है, 12th ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।